अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने रिपोर्ट दी है कि जुगनू मोहसिन MPA PP 184 की खसूसी काविश पर चीफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ड्राव कासिम अली, SC साहिवाल फारूक अहमद, XCN उकाड़ा, SDO दीपालपुर और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का हुजरा शाह मुकीम का दौरा। तर्जमान अल मोहसिन ग्रुप राय मुश्ताक अहमद खरल अल मोहसिन ग्रुप के साथियों के हमरा चौक था हुजरा सड़क का सर्वे करवाते हुए, जिसमें चीफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट राव कासिम ने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह जल्द ही रोड की मुरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपको आगाह करते चलें कि कुछ दिन पहले अलखिदमत न्यूज़ ने खबर दी कि सहती अड्डा से लेकर राजगढ़ की सड़क टूट फूट का शिकार है, लोगों को आने जाने में काफ़ी मसला दरपेश है, जिस खबर पर MPA जुगनू मोहसिन ने जल्द एक्शन लिया और सड़क को रिपेयर करवाने की यकीन दहानी करवाई। जल्द ही सड़क का सर्वे शुरू हो जाएगा। इसके साथ खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर पाकपतन रोड अड्डा सुखपुर के करीब मकई की फसल से लाश बरामद। मरने वाले की शिनाख्त रफीक वल सुल्तान से के नाम से हुई। पुलिस जाए वो कुआ पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं राजावाल से। राजावाल BS लिंक में गिरने वाली गाड़ी मिल गई, लेकिन 32 घंटे गुजर जाने के बावजूद ड्राइवर का पता ना चल सका। गाड़ी के चारों गेट बंद पर लाश अंदर मौजूद नहीं। राजावाल में भी कोरोना वायरस का केस सामने आ गया, खतरे की घंटी बज गई। कोरोना वायरस के मरीज वली खान के बेटे अब्दुल्ला को टीम लेने पहुंच गई।